सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस सीन के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ए एडिटर, इसको काट, ये सीन नहीं बात करने वाले, काटो काटो। इस सीन के बारे में ये सीन तो आपको याद ही होगा। इस सीन में कैप्टन मैन का द फर्स्ट एवेंजर मूवी का ये सीन है, ग्रेनेड सीन। इसमें हम देख सकते हैं जब जनरल टेस्ट ले रहा होता है डॉक्टर के साथ बात करके, तो वो ग्रेनेड फेंकता है, जो ग्रेनेड बिल्कुल डिस्पोजेबल होता है, मतलब किसी काम का नहीं होता। और उस समय स्टीव उस ग्रेनेड ऊपर मतलब कूद जाता है। इससे ये सेटिस्फाई होता है कि स्टीव हमेशा से बिल्कुल परफेक्ट कैप्टन अमेरिका बनने के लायक थे। बट हम इस सीन में एक और चीज को नोटिस करना शायद भूल गए होंगे, और शायद काफी उन्होंने किया भी नहीं होगा और गलत सोचा होगा। मतलब यहाँ पे आप इस सीन में पैगी को देखो, आपको क्या लग रहा है, पैगी स्टीव को बचाने के लिए भागी? जी नहीं, पैगी ऑल्सो कैपेबल थी कैप्टन अमेरिका को बनने के लिए। पैगी खुद ग्रेनेड के ऊपर कूदने वाली थी। तो इस सीन से आप सेटिस्फाई कर सकते हैं कि पैगी कार्टर खुद भी कैप्टन अमेरिका बनने के लायक थी। और यही हमारी सोच को और हमारा एलोबरेट करके हमें और अच्छे से समझाने के लिए मार्वल ने अपनी एक न्यू एनिमेटेड सीरीज निकाली है जिसका नाम है व्हाट इफ, जो फ्यूचर में आने वाली है। जिस सीन में अगर क्या होता पैगी कार्टर कैप्टन अमेरिका बनती, तो इस सीन को हमारे साथ आगे कंटिन्यू करते हुए इस सीन को समझाएंगे हमारे भावेश भाई। तो चलिए आप वीडियो उन्हीं के साथ कंटिन्यू कीजिए। मैं आपसे बात करने वाला हूँ व्हाट इफ सीरीज, जो कि लॉकी सीरीज के बाद आने वाली है, उसके अंदर के कैरेक्टर पैगी कार्टर के बारे में। तो गाइस, अभी तक तो न्यूज यही आई है व्हाट इफ सीरीज में, यही देखने वाली सुपर सोल्जर सीरम स्टीव रॉजर्स को नहीं बल्कि पैगी कार्टर को मिलता तो क्या होता। तो इसी चीज को हम देखने वाले व्हाट इफ सीरीज के अंदर, और पैगी कार्टर का रोल यही होगा कि वहां पे यही दिखाया जाएगा कि सुपर सोल्जर सीरम जो है वो पैगी कार्टर को मिल गया है, और अब पैगी कार्टर बनेगी कैप्टन ब्रिटेन। और अब काफी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि पैगी कार्टर जो है वो कैप्टन अमेरिका क्यों नहीं बनेगी, कैप्टन ब्रिटेन क्यों बनेगी। गाइस, इसका साफ सा आंसर है कि वो ब्रिटेन से बिलोंग करती है तो कैप्टन ब्रिटेन बनेगी। और अगर सुपर सोल्जर सीरम पैगी कार्टर को मिल जाता है तो आपको तो पता है कि पैगी कार्टर कितनी ज्यादा हेल्दी है, तो अगर सुपर सोल्जर सीरम उन्हें मिल गया तो पहले से भी ज्यादा डेंजरस हो जाएंगी। और अगर सुपर सोल्जर सीरम पैगी कार्टर को मिल जाता है तो फिर हमारा जो स्टीव रॉजर्स है वो तो अभी बच्चा ही है, उसे जब सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था तभी वो कैप्टन अमेरिका बना और इतना खतरनाक हुआ था। लेकिन बेसिकली बात की जाए तो अब वो एक बच्चा ही है, तो पैगी कार्टर क्या करेगी, क्या वो स्टीव रॉजर्स के पास वापस आएगी? और अगर वो उसके पास वापस भी आती है तो स्टीव रॉजर्स तो अभी एकदम बच्चा ही है। और गाइस, कुछ रूमर्स का तो ये भी कहना है कि हमें यहाँ पे अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में वॉर देखने को मिल सकती है। अमेरिका इसलिए वॉर करेगा कि हमें पहला कैप्टन चूज करने का मौका क्यों नहीं दिया गया। और गाइस, आपको साफ साफ बता दो कि ये सब कुछ एक इमेजिनरी रियलिटी होगी, मतलब व्हाट इफ सीरीज का नाम ही है व्हाट इफ, तो ये एक अलग टाइमलाइन होगी। जैसे हमारी ओरिजिनल टाइमलाइन है उसमें तो यही है कि स्टीव रॉजर्स को सुपर सोल्जर सीरम मिलता है, लेकिन व्हाट इफ की एक अलग ही टाइमलाइन चलेगी, यहाँ पे सुपर सोल्जर सीरम स्टीव रॉजर्स की जगह पैगी कार्टर को मिल जाएगा। तो गाइस, पैगी कार्टर क्या करेगी, क्या वो टीम में काम करेगी या फिर सोलो काम करेगी, ये चीज तो गाइस अभी मुझे भी नहीं पता, रूमर्स की तरफ से भी इतनी डिटेल में न्यूज नहीं आई है। और गाइस, एक और क्वेश्चन उठता है कि वो अपने हिसाब से काम करेगी या गवर्नमेंट के अंदर काम करेगी। जैसे कि अगर स्टीव रॉजर्स की बात की जाए तो वो गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि करते थे, बट पैगी कार्टर जब कैप्टन ब्रिटेन बन जाएगी तो वो क्या प्रेफर करेगी, क्या वो अकेले काम करेगी या फिर गवर्नमेंट के अंदर रहकर काम करना पसंद करेगी, ये सब डिटेल्स अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि है नहीं अभी मेरे पास। और रूमर्स के हिसाब से तो अभी जितने भी न्यूज आई है मैंने सारी की सारी आपके सामने रख दी है गाइस। और ना ही सर मैंने आपको पैगी कार्टर का रोल एक्सप्लेन किया है, बल्कि मैंने आपको व्हाट इफ सीरीज की काफी सारी डिटेल भी एक्सप्लेन करी है। तो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कैसा लगा आपको हमारी मेहनत? अगर आपको हमारी मेहनत प्लीज पसंद आई तो आप प्लीज भावेश का चैनल चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखा है। थैंक्स भावेश हमारे साथ कोलैब करने के लिए। और हाँ गाइस, आप प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों से जितना हो सके, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो हमें मोटिवेट करने के लिए। थैंक्स अ लॉट गाइस, आई लव यू ऑल।